फाइनली अभी हमारी शॉपिंग हो गई है और यहाँ रश बहुत है और लाइन में खड़े हुए हैं अभी। और लेट्स सी अभी कितनी देर में हम फारिग होते हैं और क्या करते हैं, तो फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ब्रदरहुड चैनल एंड वेलकम बैक अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग हमारा ये होता है कि एक मिनट पहले कल की बात करते हैं। कल का व्लॉग जो आप लोगों ने देखा होगा, हर कोई पूछ रहा होगा कि बुरहान, मतलब हर कोई सोच रहा होगा कि बुरहान कहाँ है। दरअसल इन लोगों ने मुझे ये टोपी कराई सबसे पहले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, टोपी नहीं कराई। ये हुआ कि वो जो मदरिया थिएटर फॉर्म के ऑनर थे मुदस्सिर अरमान भाई के फ्रेंड, तो उन्होंने गेट टुगेदर पे बुलाया था। तो मैंने कहा मेरा क्या काम है गेट टुगेदर में, आप लोग सब बड़े होंगे तो मैं क्या करूँगा जाके। तो अरमान भाई ने कहा हाँ ठीक है तुम रहो, और हम क्योंकि हमारा प्लान था हम परसों जाएंगे, मींस मंडे को हमारा था जाने का प्लान कि हम सुबह जाएंगे और उनके पूरा शूट करेंगे। लेकिन दरअसल वहाँ पे बात कुछ ऐसी बनी कि फिर उन्होंने भी शूट कर लिया, उन्होंने कहा कर लो शूट अभी, फिर टाइम बिज़ी, वो भी होते हैं हम भी बिज़ी होते हैं। तो जब इन्होंने भी शूट कर लिया और आपने जैसे कि देखा ही होगा कि कितना अच्छा शूट करा है, लेकिन जैसे ही वो लोग घर आए तो मैं सीरियस बहुत नाराज़ था, मुझे बहुत गुस्सा भी था। और मैंने यहाँ तक मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग अब नहीं करूँगा इन लोग के साथ, लेकिन फिर इन लोग ने मुझे समझाया, कहा भाई देखो ऐसे होते रहते हैं। तो उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम तुम चल लेना, तो बहला फुसला के उन्होंने मुझे मना लिया वापस से। और लेकिन जब मैंने व्लॉग देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा नहीं यार फालतू मतलब ऐसे ही नहीं गए, व्लॉग बहुत अच्छा बनाया। सो अभी हम जा रहे हैं, हर कोई जा रहा होता रमज़ान की ग्रॉसरी करने, तो अभी हम सुपर मार्केट जा रहे हैं, देन फिर आपको बताते हैं वहाँ पर। एक और बात, ऐसा लग रहा होगा कि वहाँ फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन रश क्योंकि इतना है, लेकिन फ्री में कोई कुछ नहीं है भाई, जो नॉर्मल जो प्राइसेस होती है उसमें ही मिल रहा है, लेकिन रश बहुत है। हम दरअसल आदि मामा पापा कल रात में ही ले आए थे, हम आदि करने जा रहे हैं ग्रॉसरी। वो जो हाफ थी ना वो हमारी कल रात में ही मामा पापा ले आए थे, बाहर गए थे, तो मुझे मैंने कहा था कि मुझे ले जाइएगा, लेकिन मैं गया होता तो वो लोग डायरेक्ट ही चले गए थे। तो जब ही तो अभी हम आपको फिर मार्केट में मिलते हैं। Now we are here in इम्तियाज मार्केट। तो हमने कार ले ली है और अभी अंदर चलते हैं, रश यहाँ बहुत हो रहा है अभी। और अभी मैं आपको अंदर जाके ब्लॉग बना चुके, पब्लिक यहाँ बहुत है और बहुत रश हो रहा है। अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं गाइस, तो फाइनली हम आ गए हैं। अब मैं लगा रहा हूँ माइक, यूज़ कर रहा हूँ मैं अब माइक से बात करते हैं क्योंकि यहाँ रश अभी बहुत है। तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं यहाँ, और नीचे यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो अभी नीचे जाके करते हैं। और माइक मुझे लग रहा है वर्किंग नहीं कर रहा, तो पहले मुझे कुछ टेस्ट करने दें, फिर उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। तो अभी हम बेसमेंट में जा रहे हैं ना, हाँ बेसमेंट में जा रहे हैं, यहाँ बहुत क्राउड है। दरअसल अब बात ज़रा ये हुई है कि माइक की पिन टूट गई, और ये लोग मुझसे उस दिन कल आए थे, ये लोग कह रहे थे कि पिन टूट ही गई पिन। तो अब मैं बगैर माइक के बनाऊंगा, होपफुली ये अच्छा बन जाए ब्लॉग, क्योंकि क्राउड बहुत है ना, तो माइक में आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो मैं ऐसे बात करूँगा मुँह में डर घुसा के कैमरा, लेकिन इंशाल्लाह बनाऊँगा ज़रूर और आप लोग को भी ज़रूर दिखाऊँगा। ओके मॉम आगे शॉपिंग करनी है और मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, और अभी मॉम ले रही है ज़रा मसाले। और अभी इस वक्त अभी हमारी ट्रॉली अभी स्टार्ट ही हुई है, हमने अभी ये स्टार्ट हुई बहुत भारी है, लेकिन अब आगे चलते हैं और बहुत रश है। लेकिन अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये सारे आ गए मसाला आए थे। सो अब हम आ गए हैं अपने फेवरेट पोर्शन की तरफ, टॉफ़ी एंड कैंडी एंड चॉकलेट। अभी उस वक्त मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एक तो शोर बहुत था, और माइक की जो की होती है जेट वो टूट गई। और अभी हम लोग ये मार्शमेलो वगैरह ये हमने ले ली, अभी नहीं ली, ले लें ये चले। देखिए मैंने जैसे ही कहा वहाँ मैंने मार्शमेलो ले ली, तो अभी हम आगे का बनाते हैं व्लॉग। और वहाँ रश बहुत है तो मैंने प्रिफेयर नहीं करा, वहाँ लेडीज़ वगैरह सब थी, तो मैंने नहीं सोचा कि मैं आप लोग को उन लोग को व्लॉग में दिखाऊँ, और ऐसी बात नहीं है। और वहाँ पे कुछ बहुत क्राउड था, और ये देखिए मार्च में जैसे कि हमने ले लिए, ट्रॉली हमारी थोड़ी सी डिफॉल्ट हो गई, ट्रॉली का जो व्हील है वो जैम हो रहा है, और बच्चों का फेवरेट पोर्शन ये होता है इधर जैम।
तो अभी आगे चलते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। फाइनली अभी हम आ गए हैं अपने फेवरेट डिस्ट्रिक्ट जो रमज़ान की याद आप लोग को दिलाते हैं, शरबत। तो अभी हमने ले लिए हैं दो शरबत। और अभी रमज़ान की तो सबसे याद मज़ेदार जो चीज़ होती है वो शरबत ही होती है भाई, रोज़े का अपना जो ठंडे ठंडे को प्यास है और फिर ठंडे ठंडे शरबत पी। तो अभी हमने शरबत भी ले लिया है और मार्शमेलो भी हमने ले लिए और आधी चीज़ मैंने आपको बता दी ऑलरेडी हम ले चुके हैं। और एक सबसे मेन थिंग हम ये वाला शरबत, हमें ग्रीन वाला बहुत पसंद है, आइसक्रीम सोडा जिसे कहते भी हैं, सोडे के साथ हम इसे बनाते हैं तो ये बहुत मज़े का बनता है। तो ये बहुत मतलब पाकोला इसका कोल्ड क्रीम इसको कहते भी हैं और उसमें बहुत यू नो गर्मी में गला खुश्क और ठंडी ठंडी चीज़ है। शॉपिंग जो रहती थी वो कंप्लीट होने वाली है और मामा भी गई हैं दूसरी जगह चीज़ें लेने। मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ और यहाँ बहुत सारा रश है और मैंने अभी अपना एक ब्रश लिया है हार्ड, तो मैं यूज़ करता हूँ हार्ड ब्रश जब। और ये हम शैम्पू के पोर्शन के बिल्कुल सामने ही मैं खड़ा हुआ हूँ अभी और लेट्स सी अब क्या होता है। हमारी टोटली कंप्लीट ही हो गई है, बस थोड़ी सी रहती है तो पहले वो जाए फिर देन फिर मिलते हैं आपसे। ये देखें आप लोग बच्चों का मोस्ट फेवरेट आइटम विंटेज कार्स से हम कहते भी हैं। अच्छा यहाँ पे बॉक्स लगे हुए हैं तो यहाँ से मैं आप लोग को लुक शो कराता हूँ। माशाल्लाह ना वी आर गोइंग टू, अब हम ऊपर जा रहे हैं और अभी हम देखते हैं ऊपर के आइटम में क्या क्या होता है। यहाँ के आइटम से तो ले लिया। अच्छा ये जैम हो जाती है, सबसे अच्छी बात होती है। मैं बचपन में छोटा था, मैं हमेशा सोचता था कि मैं गिर जाऊंगा इसमें से और ऊपर कैसे जाते हैं। तो जब ही और आवाज़ होपफुली आप लोग को बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन इतनी आ रही हो कि बात बन जाए थोड़ी। तो लेट्स सी अभी हम लोग ऊपर पहुंचने वाले हैं प्रॉपर्ली और हमारी कॉल नहीं हो गई क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारा टोटली 80% सामान आया हुआ था। तो जब ही तो हमारा बस हम ऊपर वाले पोर्शन में आ गए हैं और संभल के मॉम हमारी मॉम असल में मुझसे मामा थोड़ी सी वो आगे वो जो एंड में रुकते हैं ना उससे पैर टकरा जाता है। तो जब भी मैं कैमरा ऊपर इसलिए नहीं कर रहा था कि यहाँ अलाउ नहीं है बनाने फूड, यहाँ अलाउ नहीं है। तो मैं सिर्फ आप लोग को ऐसे ही दिखा सकता हूँ, लोग समझेंगे कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। वीडियो अभी मॉम देख रही हैं और मैं बस यही कहूँगा कि मैं आप लोग को होपफुली ये ब्लॉग पसंद आ रहा है क्योंकि मुझे भी लगता है कि ये अच्छा नहीं बना लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बट लेट्स सी अभी मैं ज़्यादा इसको ब्लॉगिंग ज़्यादा मैं खुल के नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट यूज़ द फ़ोन कैमरा। तो अब बस पहले सामान ले लें, काउंटर पर खड़े होंगे फिर मैं आप लोग को दिखाऊँगा और जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल भी नहीं हैं। और अभी मुझे लोग देख रहे हैं उसकी भी टेंशन नहीं। बट ले लिए नगेट चिकन फ्राई, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और बर्गर पैटी। और हमारी ट्रॉली फुल हो गई है टोटली और बस कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ भी नहीं बस लास्ट से चल रहा है। ये भी ले लिया हमने चिकन टैंडर।
फाइनली अभी हमारी शॉपिंग हो गई है और यहाँ रश बहुत है और लाइन में खड़े हुए हैं अभी। और लेट्स सी अभी कितनी देर में हम फारिग होते हैं और क्या करते हैं, तो फिर हम आप लोग को दिखाते हैं। और अभी सब लोग इस तरह मुझे देख रहे हैं जिस तरह मेरे को इनके पैसे छीने हुए। तो पहले मामा एक दो चीज़ें वो होता है ना मियों का, पहले मामा चीज़ें लेने जाती हैं काउंटर पे खड़े होकर, और याद आती हैं तो और लेने जाती हैं। तो पहले काउंटर का बिल हो जाए, फिर घर आके अरमान भाई सुमान भाई को फ्री कराते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। एक और एक एडिशन कर दिया पूरियों का, पूरी की बात तो अलग है ना, लेकिन प्याज बहुत लगती है, लेकिन क्या कोई बात नहीं, प्याज तो चलती रहती है। लेकिन पूरी अभी ले ली हमने और ये बच्चा हमें देख रहा है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी कितना टाइम है ये मैंने याद है, कम से कम हमें आधा घंटा और लगेगा। तो वेटिंग के बाद मैं आप लोग से ज़रूर मिलता हूँ, फिर उसके बाद दिखाता हूँ। अच्छा आप लोग ये सोचोगे मैं झुक के बाद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ, बड़ी बात है ना। तो जब भी पहले हम पारे हो जाएँ फिर देन मैं आप लोग को फिर सही से दिखाता हूँ। फाइनली गाइस शॉपिंग हो गई है और आज का व्लॉग वैसे कुछ जैसा बनना चाहते वैसे नहीं बना क्योंकि अलाउ नहीं था, और मैंने फिर भी इतना बना लिया, ये मेरी बहुत बड़ी बात है। और अभी हम वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम घर जाके आपको मिलते हैं। और बस इंशाल्लाह दुआ करें अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया है, तो अभी मैं ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मस्त भी बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए ब्रदर्स को अल्लाह हाफिज़। और एक आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी तरफ़ से आप सबको और ब्रदरहुड की तरफ से रमज़ान मुबारक इन एडवांस। तो इंशाल्लाह फिर रमज़ानों में मिलते हैं और लेट सी अच्छे अच्छे ब्लॉग भी आप देखिएगा, रमज़ान की एक्टिविटी भी देखिएगा, रूटीन भी देखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।